जय माता दी। मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैंसर असेंडेंट जुलाई 2022। कर्क लग्न के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लग्न कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर चार नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कर्क लग्न है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कर्क लग्न के बारे में, जो कि एक जल तत्व लग्न है और चर लग्न है। चर का मतलब मूवेबल साइन है, अर्थात कि ये व्यक्ति बदल जाते हैं, चेंजमेंट को बड़ी जल्दी आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, ऐसा कह सकते हैं। मतलब अपने व्यवहार को इजीली ये बदल लेते हैं, अड़े नहीं रहते, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और ये आपका जल तत्व लगन है, जिसके कारण व्यक्ति में काफ़ी इमोशंस होते हैं। लविंग एंड केयरिंग नेचर, एक मातृत्व वाला गुण, देखभाल करने का जो गुण होता है, जैसा एक माता का स्वभाव होता है, इस तरीके का नेचर पाया जाता है। इनके लिए केयर जो होती है, देखभाल जो होती है, वो डिमांडिंग नेचर होता है। अर्थात ये सामने वाले व्यक्ति से डिमांड करते हैं कि भाई मेरी केयर करिए, अन्यथा ये बड़े विचलित हो जाते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। और एक बात और ये रहती है कि क्योंकि जल तत्व लगन है, कर्क लगन, यहाँ पर व्यक्ति को अपनी बात को रखने के लिए थोड़ा चिल्लाना पड़ सकता है, बात को मनवाने के लिए कह सकते हैं, या कोई व्यक्ति इनकी सपोर्ट करे तो उसके लिए, मतलब अपनी प्रेजेंट, अपने अवेलेबिलिटी को दिखाने के लिए वहाँ पर, या अपने प्रेजेंस को दिखाने के लिए व्यक्ति को थोड़ा सा हार्श होना पड़ सकता है, चिल्लाना पड़ सकता है, जिसके कारण तभी कोई व्यक्ति इनकी बात समझता है, सुनता है इनको, अन्यथा सब नॉर्मली लेकर, कैजुअली लेकर उसको छोड़ देते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। आप देखें यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो सबसे पहले सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। सूर्य यहाँ पर धन भाव के स्वामी हैं और 12वें घर के अंतर्गत व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 जुलाई तक आपकी जो सेविंग्स है, आपका जो संचित धन है, वो कहीं ना कहीं उसका व्यय होता हुआ नज़र आ रहा है, वो खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। और हो सकता है कि आपका यहाँ पर वाणी का भी बहुत अधिक उपयोग रहे, बोलने का कार्य आपका बहुत अधिक हो सकता है, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है। सूर्य के प्रभाव के कारण सरकारी क्षेत्र में या सरकार से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा बचकर चलना है, वहाँ पर आपको परेशानी बन सकती है, या सरकारी काम में अड़चने आने की भी स्थिति 16 जुलाई तक देखने को मिल सकती है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही क्योंकि सूर्य के प्रभाव के कारण यहाँ पर 12वें घर में जैसे कि स्थिति है, तो यहाँ पर आपका धन, मतलब जो संचित धन आपका जैसे कि व्यय हो रहा है, तो मान, अपने मान सम्मान की भी आपको रक्षा करनी पड़ेगी। हो सकता है टैक्स वगैरह में भी आपको ये पे करना पड़े, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। मतलब आपका जो सेविंग है वो टैक्स के रूप में आपके खर्च होती हुई नजर आए, टैक्स पे करते हुए, ये भी हो सकता है। और मान सम्मान की भी रक्षा करने का आपको समय है, क्योंकि इस स्थिति के अंतर्गत थोड़ी परेशानी यहाँ पर बन सकती है, तो इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान देना है। परिवार के ऊपर आपका धन खर्चा हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा सकता है, कुटुंबजन को लेकर धन खर्च हो सकता है, या हॉस्पिटल इत्यादि वगैरह में, क्योंकि बार बार अगर आपका फॉरन विदेश का है, एकांतवास का भी है, इसको गलत तरीके से अगर थोड़ा नेगेटिव देखा जाए अगर, तो जेल वगैरह का भी होता है, ये इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आपके अगर जन्म कुंडली के अंतर्गत होता है तो ही स्थिति होती है। अगर बर्थ चार्ट में दशा अंतर्दशा खराब चल रही होती है तभी ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हॉस्पिटल इत्यादि में धन खर्च होने की संभावना यहाँ पर बन जाती है, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद देखिए 16 जुलाई के बाद सूर्य लगन के अंतर्गत आ जाएंगे। ये एक स्थिति अच्छी है कि धन भाव का स्वामी आपके लगन पर आ रहा है, मतलब आपकी अब सेविंग्स कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर रहेगी, आपके ब्रेन में यही घूमता रहेगा कि अब मेरे को धन बचाना है, मनी सेव करनी है, इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, या आपकी फैमिली आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। 16 जुलाई के बाद आपके ऊपर, आपके परिवार की एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। आपका सूर्य के प्रभाव के कारण आपके स्वतंत्र विचारधारा बढ़ेगी, आपकी लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि होगी, ऐसा भी कहा जा सकता है, और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की चाह, सामाजिक तौर पे आपकी छवि बढ़ती हुई, या एक तरीके से कही जाए नेम एंड फेम आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा ये 16 जुलाई के बाद, क्योंकि सूर्य का प्रभाव जब लगन पर आएंगे तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। इसी के साथ देखिए सूर्य के प्रभाव में थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर, या ईगो, या अहंकार, या स्वाभिमान कहीं, तो ये भी वृद्धि 16 जुलाई के बाद आपको देखने को मिल सकती है, ये प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इस स्थिति की ओर यहाँ पर इशारा होता है। सरकारी क्षेत्र से भी आपको इसके बाद लाभ प्राप्त हो सकता है 16 जुलाई के बाद, तो ये स्थिति अच्छी है। इससे पहले अपने किसी भी काम को, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क को आपको डिले नहीं करना है, समय पर अपने नियम कायदों के अनुसार आपको कार्य को करना चाहिए। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को अगर हम जानें
तो देखो मंगल यहाँ पर पंचमेश है और कर्मेश है 27 जून से 10 अगस्त पूरे माह के अंतर्गत अगर देखा जाए मंगल दशम में रहेंगे राहु के साथ। वैसे तो देखिए दशम भाव में राहु और मंगल आपको काफ़ी पराक्रमी बना सकते हैं और आप थोड़ा सा फाइट करके, यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, राहु मंगल का प्रभाव ये रहेगा कि आप अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत जीतना चाहेंगे और लेकिन फाइट करके जीतते हुए नजर आएंगे, मतलब वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एफर्ट मेहनत या फिर एक तरीके से मतलब युद्ध, मतलब जैसे मंगल का प्रभाव होता है वो थोड़ा फाइट करके जीतता है, लड़कर जीतता है किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी चीज़ की फाइटिंग हो जाए तो वहाँ पर उस तरीके से जीतने की कोशिश आप करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल और राहु के प्रभाव में कहीं ना कहीं आपका लेवल तो बढ़ेगा आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, लेकिन आपके आपसे ऊपर के व्यक्तियों से आपकी बहस हो सकती है और वहाँ पर संबंध खराब होने की भी स्थिति बन सकती है, या वो आपसे ऊपर के जो अपर लेवल के जो व्यक्ति हैं वो आपको चीटिंग, आपको धोखा दे सकते हैं, उस तरीके की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। क्योंकि ये पंचमेश बनकर दशम में है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके आपका संतान का सपोर्ट जो मिल रहा हो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाए, अगर हो सकता है आपको आपके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत अपने बच्चों का साथ या आपके कोई प्रेमी अथवा प्रेमिका का साथ मिल रहा है तो वो आपको चीटिंग धोखा दे सकते हैं, वहाँ पे परेशानी बन सकती है, उनके कारण आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है, ये भी स्थिति यहाँ पर पता लगती है, इस बात की ओर भी यहाँ पर इशारा होता है। इसी के साथ मंगल का जो प्रभाव रहेगा, मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर रहेगी, ये बात तो तय है कि सूर्य का प्रभाव भी 16 जुलाई के बाद लगन पर आ रहा है, मंगल का भी प्रभाव आ रहा है, ऊर्जा उत्साह आपकी काफ़ी अधिक बढ़ जाएगी, काफ़ी ऊर्जावान आप महसूस करेंगे और एक तीव्र गति से या कह सकते हैं सडन निर्णय लेना, अचानक से निर्णय लेना इस तरीके की या फिर धैर्य की कमी थोड़ी हो जाएगी, ऐसी भी स्थिति की ओर मंगल का प्रभाव इशारा करता है। क्रोध को ज़्यादा मतलब क्रोधित, ज़्यादा क्रोधित होने से बचेगा ऐसा कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव भी रहेगा फिर मंगल की दृष्टि आ जाएगी जिसके कारण आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है, इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी और ज़्यादा गर्म मिजाज का होने से बचेगा। वैसे तो आपका कर्क लगन है लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान आपको देने की आवश्यकता है। वैसे गुरु की भी दृष्टि लगन पर आ जाएगी, सूर्य का प्रभाव, मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि भी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को धर्म के माध्यम से, गुरु का प्रभाव धर्म भाव के स्वामी है, धर्म के माध्यम से आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे और आप अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत भी होता है। इसी के साथ मंगल की सातवीं दृष्टि जहाँ पर केतु भी हैं चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आप अपने यहाँ पर बर्थ प्लेस से रिलेटेड कह लीजिए या फिर आप अपने प्रॉपर्ट मतलब मदर से कह सकते हैं, माता से थोड़े संबंधों को सुधारने का प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे केतु के कारण थोड़ा सा, या माता की स्वास्थ्य है क्योंकि इस माह के अंतर्गत हमने बताया भी है 13 के बाद, 13 जुलाई के बाद शुक्र क्योंकि 12वें घर में चले जाएंगे, मिथुन राशि के अंतर्गत हो जाएंगे और केतु भी यहाँ पर है और बाद में 12 जुलाई के शनि की भी 10वीं दृष्टि पड़ेगी, माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी बढ़ती हुई नजर आएगी, माता के लिए विशेष तौर पर पराक्रम हो सकता है और माता की स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है, माता को कष्ट या माता को लेकर समस्या, इस तरीके की भी स्थिति चतुर्थ से संबंधित यहाँ पर घटनाएं घटित होती हुई दिखाई दे रही हैं। थोड़ा व्हीकल को लेकर भी आपको सावधान रहना है अपने, तो इस बात की ओर यहाँ पर इशारा होता है, इसका आपको ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसके बाद मंगल की आठवीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए संतान को लेकर थोड़े से विवाद रहेंगे और लेकिन फिर भी यहाँ पर आप अपने संतान के लिए मतलब संतान के लिए संबंधों को सुधारने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, लेकिन संतान के साथ थोड़े से आपके विवाद होते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पे यहाँ पर सावधान रहना है, मंगल की आठवीं दृष्टि भी है, वैसे तो अपने ही घर को देख रहे हैं, अपने ही घर को जब कोई ग्रह दिखता है तो विशेष तौर पर वृद्धि ही करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्योंकि पंचमेश का राहु के साथ संबंध बना है तो इस माह के अंतर्गत खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर सावधान रहने की आवश्यकता है, डॉक्टर की सलाह वगैरह लेते रहिए। वैसे गुरु की दृष्टि है, आपकी चाहे कितनी भी दिक्कतें आएँ संतान को, ज्ञान को, प्रेम संबंधों को लेकर, लेकिन गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य दृष्टि आपके पंचम भाव पर हैं, इन सब की रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे मोटी घटनाएं घटित हो जाएगी लेकिन ज़्यादा कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है, स्थिति अच्छी ही रहेगी। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को देखें तो बुध व्ययेश भी हैं और बुध पराक्रमेश भी हैं, बुध का भी 12वें घर के अंतर्गत गोचर हो रहा है, स्वग्रह अवस्था में है तो ये आपको विदेशों से विदेश से लाभ दिला सकते हैं, कमीशन से आपको यहाँ पर वाणी से विशेष तौर पर, वाणी के कार्य से विशेष तौर पर लाभ दिलाने वाले रहेंगे और वाणी का बहुत अधिक उपयोग रहेगा, बोलने का कार्य बहुत अधिक रहेगा इस माह के अंतर्गत, खासतौर पर आपके लिए मतलब बोलकर काम करने वाले रहेंगे। विशेष तौर
वे अपनी ऊर्जा का, अपने पराक्रम का गलत जगहों पर इस्तेमाल करने से बचेगा, गलत बोलने से बचेगा और गलत जगह पर अपनी ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करने से यहाँ पर बचने की आपको आवश्यकता रहेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। साथ ही छोटी छोटी यात्राएं होने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं कि हो सकता है कि काम के लिए या किसी भी कारणों से छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, इत्यादि यहाँ पर चीज़ों का यहाँ पर पता लगता है। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को अगर हम देखें तो शुक्र आपके चतुर्देश भी हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभ भाव में गोचर करेंगे पहले तो 13 जुलाई तक, ये तो 13 जुलाई तक तो स्थिति ऐसी है कि जो सेविंग है वो तो खत्म हो रही है लेकिन आय आ रही है, प्रॉपर तरीके से इनकम आ रही है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है, लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। साथ ही आपको 13 जुलाई तक आप महसूस करेंगे कि आपकी खुशी आप अपने मित्रों में देख रहे हैं, चाचा, बड़े भाई बहनों इत्यादि, ये नेटवर्क या फिर मतलब एक नेटवर्क सर्कल से जुड़कर आप अपने आप को खुश महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप देख सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी प्रॉफिट या फिर आय को अपनी इनकम में ही खुश हैं ऐसा कह सकते हैं, या फिर कोई किसी तरीके का अवार्ड मिल जाना या फिर कहीं से पुरस्कृत हो जाना तो वहाँ पर आप अपनी खुशी को देख रहे हैं 13 जुलाई तक, क्योंकि शुक्र का प्रभाव यहाँ पर है, शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर भी और गुरु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं जो मैं मंगल का भी प्रभाव आपको बता रहा था संतान को लेकर विवाद वगैरह या परेशानी वगैरह, शुक्र और मंगल की जब तक दृष्टि, शुक्र और गुरु की दृष्टि जब तक पड़ रही है पंचम भाव पर तो मंगल के इतने नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन 13 जुलाई के बाद ये प्रभाव आपको नेगेटिव प्रभाव देखने को थोड़ा मिल सकता है, फिर भी ज़्यादा नहीं क्योंकि गुरु की दृष्टि तो पड़ती ही रहेगी, इस बात को यहाँ पर आपको समझना चाहिए। इसके बाद देखिए हम जैसा कि शुक्र के प्रभाव को जान रहे थे तो यहाँ पर आपको किसी तरीके का व्हीकल का सुख मिल सकता है, आपको वाहन सुख मिल सकता है, वाहन का लाभ भूमि सुख भी मिलने की यहाँ पर संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सुख प्राप्त हो सकता है जिसके अंतर्गत क्योंकि केतु के प्रभाव में कोई परेशानी, कोई अज्ञात चीज़ें कोई परेशान कर रही थी तो वो चीज़ें यहाँ पर हट सकती हैं, ऐसा प्रभाव यहाँ पर कहा जा सकता है। और इसके प्रभाव इसके बाद देखिए यहाँ पर आपकी खुशी, आपकी प्रसन्नता, चतुर्थ सुख भी आपका एकादश भाव में है जो कि हमने बताया भी, अपनी आय को लेकर अपने मित्रों या फिर चाचा या बड़े भाई बहन इसमें या नेटवर्क में आप खुश महसूस कर रहे हैं। इसके बाद शुक्र का जो गोचर रहेगा वो 12वें घर के अंतर्गत शुक्र गोचर करेंगे, तो ये संबंध यहाँ पर देखिए आपके चतुर्देश का संबंध 12वें से एक स्थान परिवर्तन की ओर भी इशारा करता है, जैसे हमने बताया स्थान परिवर्तन या माता को लेकर समस्या यहाँ पर बनने की उम्मीद है और यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होने की यहाँ पर प्रबल उम्मीदें यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि आपको फिर आपका जो सेविंग्स है वो भी आपके पास आ रही है और आपकी आय कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की ओर भी जा रही है और आपका फिर उसके बाद धन भी सेव होगा। 16 जुलाई तक तो स्थिति अच्छी नहीं थी मनी सेविंग्स को लेकर क्योंकि सूर्य 12वें घर में जैसे कि हम बता चुके हैं, लेकिन तब तक आय सही आ रही थी क्योंकि आय का स्वामी आपके लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में शुक्र, लेकिन उसके बाद अगर हम 16 के बाद या अगर हम देखते हैं क्योंकि 13 जुलाई के बाद जैसे ही शुक्र मिथुन राशि में 12वें घर में जाएंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने की इन्वेस्टमेंट की ओर आप जा सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट होने की उम्मीद यहाँ पर बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपको लाभ आपका होता हुआ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उस समय के अंतर्गत, तो ये स्थिति अच्छी रहेगी। शुक्र के 12वें घर के प्रभाव के कारण खर्चा आपको स्त्री कारक चीज़ों पर खर्चा 13 जुलाई के बाद होने की उम्मीद रहेगी, लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, वाहन इत्यादि पर खर्चा होने की उम्मीद रहेगी, साथ ही स्त्री कारक चीज़ों में कॉस्मेटिक से रिलेटेड सामान वगैरह में यहाँ पर या साज सज्जा से संबंधित क्रिएटिव सामानों से रिलेटेड कुछ खर्चा होने की प्रबल संभावना रहेगी और आपकी काम वासना जागृत ज़्यादा हो जाएगी। शुक्र के प्रभाव के कारण वीर्य हानि के योग ज़्यादा बनते हैं और वैसे भी चंद्रमा चंचल स्वभाव के हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। इसके बाद देखिए गुरु के प्रभाव को देखें तो गुरु मीन राशि के अंतर्गत नवम भाव आपके भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव के अंतर्गत है, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है शनि जैसे ही मकर राशि में 12 जुलाई को आएंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि नवम पर रहेगी और नवम भाव में गुरु भी हैं तो तीसरी दृष्टि संघर्ष की दृष्टि होती है, पिता के लिए, गुरु के लिए, हायर एजुकेशन के लिए है, ये यहाँ पर संघर्ष बढ़ाएंगे कह सकते हैं, मेहनत पराक्रम संघर्ष आपका बढ़ेगा, हो सकता है आपके हायर एजुकेशन के अंतर्गत हो सकता है पीएचडी कर रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एफर्ट बहुत अधिक बढ़ जाएगा, आपकी थोड़ी परेशानियाँ कह सकते हैं बढ़ सकती हैं, वहाँ पर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है लेकिन हाँ एक जो काम आप आराम से कर रहे थे वहाँ पर एक स्ट्रगल आ जाता है, एक संघर्ष आ जाता है शनि के प्रभाव के कारण और थोड़ा सा अपने जो आपके गुरुजन हैं वहाँ पर उनके साथ संबंधों को बनाए रखने के लिए प्रयास करिएगा, मतलब वहाँ पर शनि के दृष्टि के कारण थोड़े से संबंधों में परेशानियाँ बन सकती है तो वो स्थिति का और पिता को लेकर भी वाद विवाद हो जाना या पिता के कारण थोड़ी समस्या कष्ट होने की संभावना यहां पर 12 जुलाई के बाद शनि की दृष्टि के परिणाम स्वरूप यहां पर गुरु क्योंकि नवम पर शनि और गुरु दोनों का प्रभाव है ये स्थिति बन सकती है। जो आपका व्यक्ति हायर मतलब
हायर एजुकेशन के लिए कहीं दूर एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, उनके लिए समय अच्छा है क्योंकि गुरु का प्रभाव भी रहेगा, शनि की दृष्टि भी रहेगी, तो समय आ जाएगा। अभी तक हो सकता है कि ऐसा लग रहा था कि भाई होने ही वाला है, एडमिशन होने ही वाला है, लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो एक समय नहीं आ पा रहा, तो शनि काल है, शनि की दृष्टि जैसे ही नवम पर रहेगी तो ये स्थितियाँ ये आपकी होती हुई नजर आएंगी कि हो सकता है आपका यहाँ पर एडमिशन वगैरह आपको आराम से मिल जाए, स्थिति अच्छी रहेगी। साथ ही गुरु की दृष्टि का साथ ही धार्मिक कार्यों में विशेष वृद्धि और धर्म कर्म के चीज़ों में विशेष वृद्धि और खासकर मेडिटेशन, क्योंकि गुरु का जब नवम में संबंध बनता है तो व्यक्ति पूजा पाठ से संबंधित नहीं लेकिन ध्यान में विश्वास रखता है, ध्यान करने में उसे ज़्यादा आनंद आता है और उसे विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होता है, पूजा पाठ में नहीं इतना मन लग पाता। तो ये स्थिति हमें बताती है गुरु की पांचवी दृष्टि ज्ञान की दृष्टि लगन पर रहेगी, आपकी नॉलेज वगैरह को बढ़ाने वाली रहेंगे, ज्ञान को बढ़ाने वाले रहेंगे, सामाजिक तौर पर छवि को एक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी कह सकते हैं, समाज में नाम बढ़ेगा ऐसा कहा जा सकता है। गुरु की सातवीं दृष्टि के फलस्वरूप यहाँ पर जैसे पराक्रम भाव पर पड़ेगी, विशेष तौर पे ये आपके मतलब पराक्रम मतलब जो व्यर्थ की मेहनत को कम करते हैं, लेकिन जब तक शनि की दृष्टि रहेगी भाग्य भाव पर तब तक शनि का प्रभाव के कारण, क्योंकि शनि की दृष्टि गुरु पर है तब गुरु ने यहाँ पर पराक्रम भाव पर दृष्टि डाली है, तो संघर्ष तो थोड़ा ये आपके भाग्य का कह सकते हैं कम साथ थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पर दिखाते हैं। और लेखन संबंधी कार्य में विशेष तौर पर वृद्धि होगी, न्यूज़ मीडिया इंटरनेट सोशल मीडिया से जुड़कर किए गए कार्य है, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कार्यों में आपके लिए लाभ रहेगा, फायदा रहने वाला है गुरु की नवी दृष्टि के फलस्वरूप। संतान ज्ञान शिक्षा प्रेम संबंध यहाँ से सुख की प्राप्ति हो सकती है, खास तौर पे जब तक मंगल का गोचर खराब है तब तक परेशानी भी ये देगा, जैसा कि हमें बता चुके हैं पहले, तभी हम यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, तो ये चीज़ें यहाँ पर पता लगते हैं। साथ ही जो निसंतान है वो संतान से संबंधित प्लानिंग कर सकते हैं, विशेष तौर पे गुरु की दृष्टि तो पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, अब शनि की दृष्टि अभी तो नहीं है क्योंकि 12 जुलाई के बाद नहीं है, 12 जुलाई से पहले अगर देखा जाए शनि की भी दृष्टि है, तो 12 जुलाई से पहले पहले बहुत ही अच्छा समय है जो कि कर्क लग्न के लिए यहाँ पर चाइल्ड प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। 12 जुलाई के बाद भी जो व्यक्ति के चार्ट में, अभी आपको अपना बर्थ चार्ट खोलना होगा, अगर बर्थ चार्ट में देखो गुरु की दृष्टि पंचम पर तो पड़ गई, मान लीजिए पंचमेश मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो भी यहाँ पर प्रबल संभावनाएं रहेगी, क्योंकि शनि और गुरु का पंचम पंचमेश से अगर प्रभाव बन जाए तो वहाँ पर, और आपको दशा भी उस तरीके की मिल रही हो ग्रह दशा अंतर्दशा, तो वहाँ पर संतान प्राप्ति के विशेष योग बनते हुए दिखाई देते हैं, तो इस बात का आपको थोड़ा अपने चार्ट में बर्थ चार्ट में चेक करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर गुरु के प्रभाव के बाद हमने शनि के प्रभाव को जाना कि शनि का प्रभाव, शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं और शनि सप्तम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, शनि के प्रभाव की तीसरी दृष्टि आपने देख ली है, शनि का सातवीं दृष्टि लगन पर रहेगी, तो लगन पर कार्य थोड़े से विलंबित हो जाते हैं और मन अशांत, कर्क लगन के लिए वैसे भी शनि की जब लगन पर दृष्टि रहेगी मानसिक रूप से पीड़ा तो देती है, और दशम दृष्टि के कारण आपकी माता की बड़ी जिम्मेदारी और चतुर्थ से संबंधित कर्म विशेष तौर पर करते हुए भूमि भवन वाहन से संबंधित हो सकता है कि चतुर्थ भाव पर शुक्र की शनि की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाए आपके बर्थ चार्ट के अंतर्गत, और दशांत दशा भी चतुर्थ से संबंधित हो तो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड घटनाएं भी घटित होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित घटनाएं घटित होने की संभावनाएं दिखाई देती है। खास तौर पर केतु के प्रभाव के कारण आपका थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं दिमाग कम कार्य कर रहा है घर को लेकर, मतलब घर से विरक्ति कह सकते हैं, केतु का प्रभाव एक असंतोष उत्पन्न कर देता है, घर से असंतोष है, विरक्ति है, वहाँ से दूर जाना है, कहीं हटना है, विशेष ध्यान विशेष डिजायर जो आपकी इच्छा प्रबल इच्छा जो बन रही है इस समय के अंतर्गत वो राहु के प्रभाव के कारण कार्यक्षेत्र को लेकर है, आप अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत विशेष तौर पर आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत हैं, वो स्थिति दिखाई देती है, राहु के कारण काफ़ी प्रबल इच्छा है कि आपको अब आगे बढ़ना है, इस तरीके का प्रभाव राहु यहां पर दिखाई दे रहा है जो कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देगा, बर्थ चार्ट पे आपके निर्भर करता है दशांत दशा और ग्रह स्थिति के आधार पर। अब देखिए शुभ दिनों के अगर अंतर देखें तो 1 तारीख 2 से 5, 5 से 7, 18 से 20, 22 से 25, 27 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत आपको हो सकता है कोई इंटरव्यू वगैरह आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वहाँ पर आपके सिलेक्शन होने की उम्मीद बनेगी, तो ये स्थिति अच्छी रहेगी, कोई आपको गुड न्यूज़ वहाँ पर इस समय के अंतर्गत मिल सकते हैं, लाभ होने की उम्मीदें ज़्यादा रहेगी, मतलब आपको अगर धन लाभ और दिनों के मुकाबले इन दिनों में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अशुभ दिन 11 से 14, 16 से 18, 20 से 22 और 25 से 27 अशुभ दिन है, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में आ जाना, थोड़ा डिप्रेस हो जाना, मन अशांत है आपका, या फिर रोग रिपोर्टिंग झगड़े का संबंध, कहीं ना कहीं परेशानियों से भरा ये समय हो सकता है।
कष्ट यहाँ पर ज़्यादा रहेगा कह सकते हैं। यात्रा के योग अकस्मात यात्रा हो सकती है 11 तारीख से 14 तारीख, 16 से 18 को, या फिर अस्पताल का संबंध आ रहा है, यात्रा में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, जैसे शुक्र भी 12वें घर में, जैसे हमने बताया खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। 25 से 27 का दिन ऐसा रहेगा जिसके अंतर्गत खर्चा ज़्यादा हो रहा है, यात्रा भी हो रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और वो यात्रा कहीं अस्पताल हॉस्पिटल को लेकर भी हो सकती है, ऐसे भी स्थिति वहाँ पर हो सकती है। गुरु आश्रम भी जा सकते हैं क्योंकि गुरु भी आपके 9th हाउस में नवम भाव के अंतर्गत गुरु गोचर कर रहे हैं, और उस समय के अंतर्गत गुरु आश्रम जाने की भी उम्मीदें बनती है क्योंकि इस बार चतुर्थेश शुक्र भी 12वें घर के अंतर्गत जाएंगे, तो आपके कहीं ना कहीं गुरु आश्रम में जाने अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे खुशी प्राप्त होगी आपको, आपके कोई चार्ट के अंतर्गत की जो नेगेटिविटी है वो वहाँ पर एक तरीके से रेमेडी का काम करके आपको फायदा लगेगा। धार्मिक यात्रा 18 से 20 तारीख को हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 14 से 16 का दिन अच्छा रहेगा, और कष्ट के साथ यात्रा में 5 से 7 की यात्रा थोड़ी सी कष्टदायी हो सकती है, और अमावस्या की यहाँ पर लिखी हुई है। अब उपाय क्या करने चाहिए आपको, उपाय के तौर पे देखिए राहु का दशम के अंतर्गत जो मंगल के साथ संबंध बन रहा है, एक तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का भोग भी लगा सकते हैं। ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप राहु के लिए करते रहिएगा, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में चल रही परेशानियों से आप बचेंगे क्योंकि कार्य क्षेत्र में थोड़ी पॉलिटिक्स वगैरह आपके साथ हो सकती है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है और सूर्य देव को जल चढ़ाते रहना है। तो मित्रों इसमें कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।